सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का 77वां जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का 77वां जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें जूनियर अमिताभ बच्चन और जूनियर राजेश खन्ना ने अपनी कला की प्रतिभा दिखाकर सबका मन मोह लिया। ये प्रोग्राम हर साल सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के लिए मनाया जाता है और बड़ी दूर दूर से अमिताभ बच्चन के जो फैन हैं इस प्रोग्राम में शामिल होते हैं। जूनियर अमिताभ बच्चन अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं और जूनियर राजेश खन्ना गीत गाकर लोगों के मन को बहलाते हैं। मेरठ से मुकेश ठाकुर की रिपोर्ट। अब लेकिन आज देख भैया, तुम क्या चाहते हो? हम मजदूरों का सीना लोहे की दीवार है, ये हमारे हथियार है, ये हमारा पेट फाड़ भी सकते हैं, तुम जो का पेट फाड़ भी सकते हैं। किया तुमने क्या इशारा, जो खुद कानून है, फैसले भी खुद सुनाते हैं, मुकदमे भी खुद सुनते हैं, हम जहां खड़े हो जाते हैं लाइन भाई से शुरू होती है। नंबरदार बढ़ दे थाली, यह लंबी रेस का घोड़ा है, जिस दिन इसने जिंदगी की रेस पकड़ी उस दिन सबको पीछे छोड़। नहीं मेहर साहब नहीं, जब यहीं पर जू मन कर तैयार होगा तो उसके बाहर एक तख्ती टांग दी जाएगी जिस पर लिखते होगा डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड, जहां लिखा हो हिंदुस्तानी और कुत्तों को अंदर आना मनाओ। कौन हो तुम? प्रतिथि मैं, आप लोग इनसे माफी मांगी, माफी आई वॉन्ट यू नो माफी। सोच लो उल्टी जो बोझ उठा था इन तुम्हारे सर पे बोझ बन के बैठ गया ना, तो सीधा जमीन में घुस जाओगे प्यारे। चल अल्लाह रखा था एक तमाशा। हाँ अच्छा नहीं, क्योंकि जब तक बैठने को ना कहा जाए सराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। अवलदार से कहो कि घंटी बजा करके शेर खान को छोड़ दे। अवलदार शेर खान को बाहर छोड़ दो, जरूरत नहीं। शेर खान हमारे इस थाने का इंचार्ज कौन है? इंचार्ज मैं हूं, बोलो बात क्या है। मैं चाहूं तो तुम्हारी मिनटों में वर्दी उतरवा सकता हूं, फिलहाल तो मैं तुम्हें एक पुलिस ऑफिसर के जुर्म में अंदर कर सकता हूं। शायद आप जानते नहीं कि किससे बात कर रहे हैं, जान पहचान करने की जरूरत नहीं है ठाकुर साहब। मैं इकबाल बिल्ला 20 नंबर की बीड़ी पीता हूं, काम करता हूं कुली का, जिसके सर पे पड़ जाए हाथ बचे ना उसका एक भी बाल। क्या चाहते हो जनाब? मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी मिल जानी चाहिए, लेकिन अफसोस के सर को मार मिली है। लगता है प्यारे तुम भी मार खा कर ही जाओगे। अरे जाएंगे ना साहब, ये प्लेटफॉर्म तो मैं बहुत खुश हूँ कि आज बच्चन साहब का जन्मदिन है, और जब से मैंने उनका देखा कि अब मेरा जन्मदिन है उनका, तो मेरे साथ खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और मेरे साथ में मेरे बॉस हैं दिनेश कुमार गुप्ता, वो बहुत बड़े फैन हैं बच्चन साहब के, और मेरे साथ में डी अरुण कुमार चतुर्वेदी जी हैं, और मेरा नाम सुधीर बच्चन है, और मैं बच्चन साहब का पिछले 25 सालों से फैन रहा हूँ, और मैंने कोई ऐसी फिल्म नहीं है जो ना छोड़ी हो उनकी, सारी फिल्में मैंने देखी हैं। दीवार, डॉन, सुहाग, परवरिश, लावारिस, मुकद्दर का सिकंदर, शोले, अग्निपथ, शहंशाह, जंजीर, गिरफ्तार, हम, मजबूर, सभी फिल्में मैंने देखी हैं, और मैं बच्चन साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ। और हम सिर्फ एक बार ये चाहते हैं कि किसी तरीके से बच्चन साहब से जो है हमारी मुलाकात हो जाए। एक हमारा पेट फाड़ भी सकते हैं, तुम जो का पेट फाड़ भी सकते हैं। बचपन से सर पहला गात और उल्ला रखा है अपने साथ। नाम है इकबाल बिल्ला 20 नंबर की बीड़ी पीता हूँ, काम करता हूँ कुली का, जिसके सर पर पड़ जाए हाथ बचे ना उसका एक भी बार। क्या चाहते हो जनाब? मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी मिल जानी चाहिए, लेकिन अफसोस के सर पर उसे मार मिली। लगता है प्यारे तुम भी मार खा कर ही जाओगे। अरे जाएंगे ना साहब, ये प्लेटफॉर्म तो अपना घर है, मेहमान आएंगे, घर वाले खिलाएंगे, चलिए सराफत इसी में है, आप लोग इनसे माफ़ी मांगिए, माफ़ी आई वॉन्ट यू नो माफी। सोच लो कुली जो बोझ जो उठा रही है तुम्हारे सर पर बोझ बन के बैठ गया ना, चेहरा जमीन में बचाओगे। चल अल्लाह रखा देखते हैं। मैं उनका काफ़ी दिन से फैन हूँ बच्चन साहब का, और आज उनका बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए मुझे हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ सुंदरम के लोगों ने मिलकर के कभी कार्यक्रम आयोजित किया है यहाँ पर, ये मेरा नेचुरल लुक है, मैं कभी उनकी कॉपी नहीं की, ये मेरा नेचुरल लुक है, कभी मैं कोई स्टाइल हेयर स्टाइल या कोई चश्मा या फ्रेंच कट ये सब मेरा पहले से ही है, बच्चन साहब से भी पहले का है सर।